हैं उसमें केसेस बढ़ रही, हमारे पास भी उससे कम रफ्तार में बढ़ रही। दूसरा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डेथ्स कम से कम हो, उसके लिए तेलंगाना सरकार प्रयत्न में है। और अभी तक अगर पूरे कंट्री में डेथ परसेंटेज देखें तो 3% है, हमारे पास वो परसेंटेज एक्चुअली 1.7 और 1.8 के बीच में आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव अभी भी बहुत कम है और वहां भी हम उतने ही जोर से एहतियात लगाए हुए हैं कि कहीं भी कुछ न हो। सरकार का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कोई भी कोरोना से न मरे, और उसके लिए जो भी करना पड़े सरकार कर रही है। जो देखने में आ रहा है कि ज्यादातर लोग आज के दिन में होम आइसोलेशन के द्वारा घर पे रह के ही पॉजिटिव केसेस ट्रीट हो रहे हैं, और उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, और उनमें ज्यादातर लोग आसानी से कुछ दिनों में 7 से 10 दिनों में एकदम ठीक हो जा रहे हैं। आज अगर हम अपना फिगर देखें तो होम आइसोलेशन में 7109 लोग हैं, और उसी तरीके में जो रिकवर्ड हो गए उसमें 1438 लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं 5671 लोग हैं। उसके अलावे इन लोगों को सिर्फ हम घर में ही रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनको हम सुविधा दे रहे हैं, और खास करके टेलीमेडिसिन के द्वारा डॉक्टर्स उनसे बात कर रहे हैं, और जो भी उसकी जरूरत है उनको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको घर से एक्चुअली हॉस्पिटल आने की जरूरत पड़ी, और जो हमारा रिकॉर्ड है वो ये दिखाता है कि 26 लोग हैं जो घर में रह रहे थे और उनकी सिचुएशन थोड़ा बिगड़ने पे उनको हमने 26 लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। जो दूसरा जो पहलू है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, उस पर हम लोग काफी ध्यान दे रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास आज के दिन में भी जो बेड्स हैं वो पूरी तरह से कभी नहीं भरे हैं। अभी मंत्री साहब ने बताया कि गांधी में 600 बेड्स ही हैं जो भरे हैं, और जो रिमेनिंग 1400 के आसपास खाली है, तो उससे एकदम साफ दिख रहा है कि और दूसरे जगहों पे भी ऐसी स्थिति है। कुछ लोग ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया में लोड कर रहे हैं, वो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ शायद काम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य गवर्नमेंट को बदनाम करना है या किसी खास वर्ग को मदद करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। हर एक केस को हम उतना ही ध्यान से देखते हैं, और अगर किसी को लग रहा है कि उसको कोविड है, उसका टेस्ट कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप पहले पहल इधर उधर घूमने के बजाय गांधी हॉस्पिटल भी नहीं जाएं, क्योंकि वहां पे हम जो कंफर्म केसेस को लेते हैं, आप किंग कोटी हॉस्पिटल जाएं, और आप किसी भी समय जाएंगे तो पहले हम आपका हमारे डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद ही आगे का जो भी कार्रवाई है वो होगा। प्राइवेट टेस्टिंग के बारे में कहीं कहीं जगहों पे हमारे टीम्स ने कुछ पाया कि वो लोग पूरी तरह टेक्निकल ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ उनमें त्रुटियां देखी गई हैं, गलतियां दिखी हैं, और हमने उनको नोटिस भी दिया है, और कई लोग अब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक इस तरह के वातावरण में बहुत लोग जाना चाह रहे हैं, और कई बार वो लोग बता रहे हैं कि उनके बेड्स खाली नहीं है। हमने भी अपने स्पेशल ऑफिसर जैसे लोगों को अपॉइंट किया है, और कहां कितनी सीट है उसके बारे में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि इतनी सीट ही यहां पे अवेलेबल है। इन सबको और कहीं भी लोगों को वेंटिलेटर हमारे खाली हैं, और अधिक वेंटिलेटर भी हमारे पास आ गए हैं, इसीलिए किसी तरह की समस्या नहीं है। जिलों में भी हम पूरी तरह तैयार हैं। अभी खास करके जो सिचुएशन है, सबको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं, तो मास्क लगाना, 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड वॉश, और एल्डरली और जो जिनको कुछ बीमारियां हैं, खास करके ब्लड का, शुगर का या किसी तरह की बीमारियां हैं, उनको खास करके ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से बिना किसी परेशानी के बचा सकेंगे। तो इन सब की तरह से हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि घबराएं नहीं। अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं तो आपके आपको फैमिली को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर में रह सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको श्वास लेने में या कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप तुरंत फोन करें 104 को, हमारे लोग आपको।